सो गाइज अभी मैं देने लगा हूँ आप लोगों को रूम टूर, लेट्स गो। भाइयों मेरे को तो कोई डर नहीं लग रहा। सो गाइज मेरा पर्स चोरी हो गया यार। हे गाइज व्हाट्स अप, तरुण बेदी दिस साइड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आया हूँ यार रंगमंच फार्म्स, इनके ही रूम में स्टे कर रहा हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूँ रंगमंच के बारे में, कैसे आना है कैसे नहीं आना, और प्लस एक्टिविटीज बहुत सारी करने वाले हैं और बहुत सारा खाना खाने वाले हैं, यू नो। तो वो सारा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और सबसे पहले यार ये मैं बैठा कहाँ हूँ, तो जहां मैं बैठा हूँ उसका आपको देते हैं एक बार रूम टूर, है ना, रूम टूर देना पड़ेगा, लेट्स गो यार। सो गाइज अभी मैं देने लगा हूँ आप लोगों को रूम टूर, लेट्स गो। ओके तो सबसे पहले आते हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है वॉशरूम का रूम खुला, क्योंकि अभी मैंने यार इंस्टाग्राम के लिए भी शूट करा था रूम टूर, तो वॉशरूम का गेट खुला रह गया। बट नो वाइज बीनी बैग है गाइस। सबसे पहले यहाँ पे पहले तो देख लो यार एक बार रूम का एम्बियंस देख लो, इग्लू रूम्स है ये, तो वो इग्लू वाली शेप है सारी, ये देखो सारा रूम का एम्बियंस। और चेयर्स भी पड़ी है यहाँ पे, चेयर सपोज एकदम से मेरे को कोई वीडियो वगैरह बनानी है या एकदम से कुछ वो समझ रहे हो बिजनेसमैन वाली फील लेनी है, तो यहाँ पे कॉफी मंगवाऊंगा और डीप थिंकिंग में चला जाऊंगा। शाबाश बेटा, समझ लो। ओके सेकेंडली वी गॉट बीनी बैग, बोर हो गया यार कुछ अलग वाइब चाहिए, समझ रहे हो, हीटर पड़ा हुआ है गर्मी लग रही है, जैकेट लुक के लिए पर उतारूंगा नहीं, लुक के लिए से फुल स्टॉक। कॉफी पीनी है, मिल्क वगैरह जो भी इसमें है कुछ। ओ नहीं वीरे चिकिया, ओ नहीं बिखाड़ा, पर मैं यार नहीं दिखा देता हूँ, मैं कुछ भी ऐसी ऐसी चीज लाया नहीं, पीने पुणे के मूड से नहीं आया मैं। ओके बेड सबसे मेन चीज यार, यहीं पे तो सोना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कंफर्टेबल है, आ जाओ। वॉशरूम का गेट, वॉशरूम भी बढ़िया यार, सही है काफी, शार वगैरह अच्छे से ले लूंगा। एंड ये देखो मिरर काफी अच्छा है ना, तो यहाँ पे अच्छी देखूंगा अगर अच्छा फोटोशूट हो जाए। बाकी मैं उतने कपड़े नहीं लाया यार, एक दिन के लिए आया हूँ, मतलब वन नाइट के लिए, तो मैं उतने ज्यादा कपड़े नहीं लाया कि मेरा बढ़िया सा फोटोशूट हो जाए। सो दैट्स इट फॉर रूम टूर, बाकी आप लोगों को दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो यार आज ना शायद यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बाकी मैं तो सीधा करने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ये देख लो यार सारी ब्रेकफास्ट मेन्यू चल रही है, सारा ब्रेकफास्ट का सामान है, इडली सांभर, आलू पूड़ी, और यहाँ पे कुछ कर्ड वगैरह, ये स्टफ्ड पराठा है, और ये हलवा वगैरह, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता, केक सैंडविचेस, फ्रूट्स में पपाया एंड कॉफ़ी, देन छाछ भी पड़ी है। पेट में डाल लिया तो खा के अब आप लोगों को बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस मैंने इडली सांभर अभी लिया है, सांभर थोड़ा सा स्पाइसियर साइड पे है, थोड़ा सा तीखा है, और इडली हल्की सी हार्ड है, बट टेस्ट अच्छा है, मेरे को थोड़ा स्पाइसी फूड चलता है तो इसलिए आई डोंट माइंड। तो मैं खाना खा रहा सारा खा के इसके बाद चाय पीऊँगा या कुछ या कॉफ़ी, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस कॉफ़ी पी रहे थे अभी, मतलब अभी पी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है कि स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। और ठंड में खुले एनवायरनमेंट में गर्मा गर्म कॉफ़ी, मज़ा आ गया। बस इसके बाद अब क्योंकि पेट पूजा हो गई है, इसके बाद चलेंगे एक्टिविटीज़ वगैरह करने, और आप लोगों को सारी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा मैं। खाना टेस्टी था ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने बताया ना वो हार्ड सा था, बट नहीं टेस्टी था खाना, नो डाउट। तो एक्टिविटीज़ वगैरह अभी हमें वापस सारी दिख रही हैं, डार्टिंग वगैरह ये सब, तो इसके बाद करने चलते हैं। बाकी यार मेरे साथ मानवी भी है, मानवी हाउ वाज द फूड? मेरे को ब्रेकफास्ट तो अच्छा लगा, इडली भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, स्वीट में भी अच्छी चीज़ें थी, अब देखते हैं लंच कैसा होगा। तो मतलब ब्रेकफास्ट के बाद सीधा लंच करने चले जाना है जो कह रही है, अब देखते हैं ब्रेकफास्ट, पहले एक्टिविटीज़ वगैरह देखेंगे। All right, let's go. तो यार ये बाकी की मेन्यू भी है यहाँ पे, जलेबी, ढोकला, मटर, कुलचे भी हैं एंड फ्रेंच फ्राइज भी हैं,
नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा यार। सो काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस काफ़ी हैं। अभी मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाता हूँ, है ना, और भी वहाँ पे, क्योंकि पिज़्ज़ा काउंटर भी है, चाट कॉर्नर भी है, गोलगप्पों का स्टॉल भी है, तो मैं सब कुछ एक एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं इल्यूशन रूम में, क्या इल्यूशन आएगा मैं अभी देखता हूँ भाई। क्या हो गया फिर यहाँ की, क्या इल्यूशन आ गया, आ जा बता क्या इल्यूशन आ रहा है यहाँ पे। लो भाई ये तो गिर गई, बताओ बताओ ले, सामने खड़ा होके देख लेंगे भाई क्या है इसमें, क्या दिक्कत हो गई फिर। खत्म गाइस, इसका हैक ये है, अगर आप लोग वहां पे खड़े होके प्रॉपर उस चीज को फील करोगे ना आगे एकदम देख के, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई आप लोग तो गए 360 घूम रहे हो, बट अगर अपने माइंड को वहां से हटाओगे, बेसिकली भाई यार माइंड गेम्स है सारी। डबल 551 551 ठीक है। देखिए सर, जिस प्रकार से आपने पर्स से निकाला है उसी में चला जाएगा, जादू से नहीं जाएगा सर, हाथ की कलाकारी से। दो मिनट के लिए पर्स जेब में रखिए सर, चलो देखिए ये मेरा लास्ट मैजिक लास्ट शो, इसी मैजिक पे आप जैसे सर मैडम लोग खुश हो गए, इनाम बक्सी सीधे कर। चल भाई आहिस्ते आहिस्ते लेके जा, बन के वहीं लेके जा जहाँ से इसे निकाला गया है। मोर राइट, फूक मारिए, वन टू थ्री, मोर राइट गायब हो जा, जहाँ से लाया वापस ले जा, गया जेब पे चेक करो, रास्ते में तो नहीं रह जाएगा। सही में नहीं 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 डबल फाइव वन है ही नहीं, भूल गया सर, कोई बात नहीं सर, कल आना और आप गलत बात है ये तो। सर इसे ओपन कीजिए, इसे ओपन कीजिए सर, इसमें आ गया आपका 200 का नोट, हाँ इसे ओपन कीजिए और ओपन करके उठाइए आपका 200 का नोट और वहाँ पर बैठ जाइए, इसमें से उठाइए ना जो निकला है वो उठाइए और वहाँ पर बैठ के ओपन कीजिए, और ओपन करके इसमें से 200 का नोट निकलेगा, सबको नंबर बताइए और पर्स में रख लीजिए। सर ये क्या उठा लिया, नोट उठाया ना आप, यहाँ नहीं कागज उठा, यही निकला, यही थी, दीजिए सर जलाइए इसे, आइए पास, हाँ ओपन कीजिए, मेरे को दीजिए इसे जलाइए, बैठ जाइए, लाइट रख दीजिए, क्या जल रहा है सर ये, कागज नहीं आपका 200 का नोट, जिस पर का हाँ देखिए सर, और नोट बनेगा ताली जरूर लगाना, चल भाई नोट लेके आ, पंखे ओ हाथ नहीं जलाओ, नोट लेके आ, फूक मारिए, पंखे ताली बजाते रहिए, सर का 200 का नोट बन गया, आहिस्ते आहिस्ते नोट आने दे, और वही आने दे जो सर ने दिया था, ये यहाँ पे मेरा मैजिक समाप्त हो गया। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कोजी सा हो गया हूँ मैं, आउटफिट चेंज कर लिया क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी एक्टिविटीज करें, तो बट उससे पहले करेंगे लंच, सुबह ब्रेकफास्ट करा था, देन इधर उधर थोड़ा सा रूम करा था, और अब सीधा हम लोग जा रहे हैं एक्टिविटीज करने, बट उससे पहले खाएंगे लंच, चलते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनकी लंच मेन्यू क्या है और उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज है, सारी करते हैं एक्सप्लोर, आ जाओ मेरे साथ। गाइस दिस इज व्हाट आई गॉट नाउ, मिक्स सॉस पास्ता एंड दाल राइस, अभी मैंने इतना ही लिया है, फिर अगर नीड पड़ेगी तो और ले लूँगा, अभी मैंने सोचा कि इतना ही ले लेता हूँ, है ना, एकदम से भारी ना करूँ क्योंकि एक्टिविटीज वगैरह भी करनी है। ओह भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हाँ भाई जीप जल गई, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है इनका, जो मिक्स सॉस पास्ता वो तो कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी था, और मैंने दाल मखनी दी थी, मेरे को लगा था मीठी मीठी टाइप्स होगी, बढ़िया फ्लेवर आएगा जैसा बाजारों में आता है, बट ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है इनका सारा कुछ। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो और आप लोगों को स्पाइसी नहीं पसंद, तो भाई फिर आप लोगों को कुछ वैसा ही फूड देखना पड़ेगा जो बिल्कुल फिर मीठे के साइड में आता हो या बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट साइड में आता हो, क्योंकि इनकी हर चीज़ में ना मेरे को जो फील हुआ वो ये है कि लिटिल बिट ज़्यादा स्पाइसी है वो। तो अब मैं कुछ मीठा खाने लगा हूँ, गुलाब जामुन या कुछ देखता हूँ यहाँ जाके, जीभ जल रही है मेरी तो। और हाँ यार मैंने कौन सा सब कुछ ही ट्राई कर लिया, जो मैं हर किसी के बारे में बोलूँ नहीं, ऐसा नहीं है, जो जो मैंने ट्राई करा है मैं सिर्फ उसके बारे में बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना।
ले आया मैं गाइस अपना गुलाब जामुन और इधर दूसरी गुलाब जामुन कुछ भी हाँ कह सकते हैं गुलाब जामुन सेम ही सेम सी है फंस गए ना अपने जोक पे खुद ही फंस गए ना तो गुलाब जामुन में ले आया यार कुछ मीठा मीठा सा हो जाए है ना क्योंकि पानी मैं बिल्कुल इंस्टेंट नहीं पीता खाना खाने के बाद फायर पान आग तो नहीं लग जाएगी मेरे को सो गाइस आप लोगों को बता देता हूँ अगर आप लोग यहाँ पे पान खाओगे तो उसके पैसे लगेंगे भाई मैंने फायर पान खाया 80 रुपीस का था और इसने खाया चॉकलेट पान तो पता है बात क्यों है हमने पान करवा लिए और हमारे सामने कोई उनको पे करने लगा तो भाई इसके तो 12 बज गए इसने कहा कि अबे यहाँ पे तो पैसे लग रहे हैं ले रे बाबा उठा ले ये तो इंक्लूडेड ही नहीं है टिकट्स के साथ तो मैंने भैया से पूछा मैंने कहा कितने भैया कहते हैं आपके 80 इनके 50 तो मैंने कहा अभी यार मना नहीं कर सकते है ना और क्या ही दिक्कत है कोई नहीं बट हाँ मैंने सोचा आप लोगों को ये बता देता हूँ जो भी लोग ये आप करो यहाँ पे खाने के लिए पूछो तो साथ में स्कैनर देख लेना उनका कि इंक्लूडेड है या नहीं है कैसा एक्सपीरियंस था बढ़िया था मजे आ गए पर ये सालों ने ऐसे ही दे दिया कहते वहीं जाके उतरवाओ जहाँ से लगवाया तो वहीं चलो उतरवाने बढ़िया था बाकी लोग आ रहे हैं बाकी लोग भी आ रहे हैं बस ये वाली हमने कर ली अब बाकी लोग आएंगे क्योंकि मैं जल्दी थोड़ा सा आ गए हम लोग यार क्योंकि बाकी लोग भी आ रहे हैं ना हमारे ग्रुप के तो जिप लाइनिंग में फिर भीड़ लग जाती मैंने कहा जल्दी जल्दी चल पड़ो भाई और मेरे को तो मजा आया मैं शायद एक दो बार क्या हाँ एक दो बार ही और करूँगा क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है कि यही करता रहूँ बट फन सिर्फ 2-3 सेकंड का ही है उतरवाता हूँ इसका तो गाइस अभी जस्ट मानवी भी ये करके आई है मानवी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दोबारा करने जा रही हूँ हाँ चलो आओ फिर करते हैं दोबारा डर तो नहीं लगा था तेरी चीख निकल गई थी पहले 3 सेकंड अरे मैं तो कूद ही नहीं रही थी मेरे को था मैं वापस जा रही हूँ मैंने आंखें बंद करी फिर मजा आ गया फिर नाइस सो मानवी व्हाट्स द नेम ऑफ आवर सेकंड एक्टिविटी नहीं पता बोल दे साइकिल दो लोगों की साइकिल डुअल साइकिल अब देखते हैं स्काई साइकिलिंग अबव 4 feet तो 4 feet से ऊपर है ना 6 feet हूँ मैं भाई ये 6 feet होगी मैं तो 7.5 feet हो जाऊंगा अब मैं सेकंड टाइम करने लगा ये मजा आया था पिछली बार भी आया था ना चले चल मान भी बता भाई वो मेरे को तो कोई डर नहीं लग रहा भाई चीखे निकल गई यहाँ तो काम हो गया आपको चलो भाइयों ओवर सो यार दूसरी बार भी ये वाली एक्टिविटी कर ली और बहुत मजा आया है और बीच में मैंने पता क्या करा मैंने जोर लगाना ही बंद कर दिया क्योंकि मेरे सारी चल रही थी सारी साइकिल मैंने जोर लगाना बंद कर दिया बीच में साइकिल खड़ी कर दी और इस मैडम के भाई रोने निकल गए अनवी तू क्या सोच रही थी तब मेरे बारे में अच्छा ही सोचा मारूंगी ना इसको इसके बाद मैंने सोचा था ये मार दूंगा अभी पकड़ के अब बता क्या करना है जल्दी पिंग करें पिंग करते हैं चलो सो गाइस यहाँ पे कुछ बास्केटबॉल्स देख के थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा एक कोर्ट देख के मेरे अंदर का बास्केटबॉलर जिसने कभी जीवन में बास्केटबॉल नहीं खेला बस हाइट लंबी होने का फ़ायदा उठा लेता है वो जाग गया है तो मैंने सोचा 2-4 शॉट्स मार लेते हैं आ जाओ क्या लगता मानवी जाएगा लेट्स सी ओए बड़ा ऊपर हो रहा है लेट्स सी ओए ओए कुछ और खेलेंगे सो गाइस क्या आप लोगों को पता लग पा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त
नहीं 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 गाइस, ये है ट्रैम्पोलिन। पानी तो दूर हो जा थोड़ा सा। बाकी सब बहुत बड़े बड़े इसलिए उनको एंट्री नहीं थी। वो क्रिकेट खेल रहे हैं उधर। हाय मानवी, निकल गई सारी मानवी खत्म। ये देख लो यार, ये सब भी आप कर सकते हो। ये तो मैंने करके दिखाई दिया आप लोगों को। वो ऊपर पता नहीं क्या है यार, ये भी कर सकते हो आप। ट्रैम्पोलिन आप लोगों को दिखा दी, और वहाँ पे वो क्रिकेट की पिच भी बनी हुई है। देखो यहाँ पे नेट्स वगैरह तो हैं टीम क्रिकेट खेलने के लिए, बट प्रॉपर एक पिच जो आपको वो फील दे है ना ग्राउंड वाली, तो वहाँ पे वो पिच भी बना रखी है। और आगे चल के आपको सारी चीज़ें भी दिखाता हूँ, मैं कवर अप करता हूँ जो कर रहा हूँ वो भी, जो नहीं कर रहा वो भी। सो गाइस क्रिकेट भी खेल लिया मैंने, काफ़ी टाइम बाद खेला क्रिकेट तो बहुत अच्छा सा फील हुआ। बट अभी मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करता ना तो काफ़ी मज़ा आ जाता। बट कोई नहीं, पापा मम्मा और चैम के साथ फिर से आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, आज ऐसे इन्जॉय कर लेते हैं। ये वाली एक्टिविटी है, देन गाइज ये वाली भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं नहीं कर रहा यार, काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है इसमें, और यहाँ पे ये वाली भी है। इसको क्या बोलते हैं यार, एडवेंचर ट्रैक। यहाँ पे देखो ये छोटा सा है, मतलब बड़ा है बट हाइट में कम है, पर एक उधर जाके है जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, वो वाला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊपर है, वो वाला दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जिप लाइन के उधर है, हम लोग करने वाले हैं कैमल राइडिंग, कैमल राइडिंग देन हॉर्स राइडिंग। कोई नहीं, भगवान करे ये सही रहे। ओए मजा आ रहा है। यस। बता जल्दी बता, इसकी हाइट ज्यादा लंबी होगी या मेरी? मेरी। जब बोलेगी पुट्ठा बोलेगी। गाइस ये है वो एडवेंचर ट्रैक जिसके बारे में आपको बता रहा था। यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे 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 पूरा वहां जाके, फिर ऐसे पूरा पार करना है वो अराउंड द वे। आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना क्लियर दिख रहा है, फिर वहां पे जाके एंड होगा वहां। ओ माय गॉडनेस यार, मैंने एक एक कप और चाय घेर ली, मैंने कहा काफी देर हो गई मैंने चाय नहीं पी, सुबह भी कॉफी पी थी चाय नहीं पी थी, तो मैंने कहा भाई अब थोड़ी चाय पी लेते हैं। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। नॉटी हो रहा। ये सारी इंडोर गेम्स भी हैं यहाँ पे, ये देखो, प्लस बुल राइडिंग, टेबल टेनिस। ओ यार ये क्या है, करंट? ओए ये नहीं कर रहा मैं, ये क्या? ओ ले गाइस, ये सारी एक्टिविटीज भी हैं, गेम्स भी हैं, ये राइड्स भी हैं। भाई ये करने का मेरा इतना ज़्यादा मन था ना ये वाली, बट उन्होंने मना कर दी, कह रहे सिर्फ बच्चों के लिए है। मन का भाई ये क्या बात हुई। सो गाइस लेब्रॉन जेम्स द फिफ्थ खेलने वाले बास्केटबॉल, क्या लगता है तेरे को मैं कितने गोल्स मार दूंगा? जीरो। गोल्स कह रहा हूँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस। बास्केट्स कितनी बास्केट? जीरो। चलो नोप। चल अभी मेरे लगती ना, क्या हो गया? स्पेसशिप गिर गई, क्या हो गया? नोप। जीरो ही बोला था, जीरो ही हो रहा है। नोप। ओके ये मैं तेरे दिल रखने के लिए कर रहा हूं, जीरो। ओके नोप, क्योंकि वो है ही ऐसा, क्योंकि वो। तो गाइस मेरा पर्स चोरी हो गया यार, अभी मैंने अनाउंसमेंट वगैरह भी कराई है। बाकी ये लोग तो कह रहे हैं इनकी टीम को मिल गया तो ये लोग जमा करवा देंगे, बट देखो यार मेन पर्स में पैसों की टेंशन नहीं है, पर्स में ना बहुत ज़्यादा सामान होता है, डीएल से लेके बैंक की चीज़ें, डेबिट कार्ड्स वगैरह, तो मेन उसका डर है भाई। अब क्या करें भाई, कितना ही दुख मनाए बताओ, कितना दुख मनाए। अब पापा कहते जो हो गया तो इन्जॉय कर ले, अब जो करना ही है फिर कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई। सो गाइस ये है स्नैक्स, जलेबियाँ और वाइट सॉस पास्ता लिया, मिक्स सॉस पास्ता खा लिया था दोपहर में, और साथ में फिंगर्स ले लिए इसलिए अभी वाइट सॉस पास्ता ले लिया।
और अभी 7:10 हो रहे हैं, तो ये है स्नैक टाइम, फिर इसके बाद होगा डायरेक्ट रात में डिनर। और अभी यार यहाँ पे कुछ करने के लिए है नहीं, तो फिर रूम में ही टाइम पास करेंगे और क्या सारे मिलके। तो हाँ भी मानवी, तू क्या क्या लाई है? सब कुछ, सब कुछ, व्हाइट सॉस पास्ता, पाव भाजी, फिंगर्स, ग्रीन सॉस, डोसा, जलेबी। क्या हो गया है? भूख लग रही है, मतलब सब कुछ उठा लोगे? वो होते नहीं कुछ कुछ लोग, भैया थोड़ा थोड़ा सभी दे दो। बताओ कि बयान जो पेट में जाके ऐसा हो जाए कि ये क्या चल रहा है भाई, पेट बोल रहा है नीचे, अच्छा जलेबी आ रही है भाई, मीठा आ रहा है, वो बयान जो एकदम से ये पाव भाजी आ गई इतनी स्पाइसी, और साला पेट खराब हो जाएगा। शिट गाइस, पंगा हो गया एक। ये देखो भाई, टी काउंटर पे आया था, यहाँ भी टी खत्म हो गई भाई, जहाँ पे स्नैक्स वगैरह लगे थे वहाँ पे भी टी कॉफी कुछ भी नहीं पड़ा। तो यार ये पंगा हो गया, मैं तो कहाँ कहाँ घूम लिया पूरे रंगमंच में कि भाई कहीं चाय मिल जाए, इतनी ठंड हो रही है और चाय बिना यार कहाँ ही सकता है अपना, दिन की 2-3 कप चाय तो चाहिए होती है। बट लेट्स सी यार, क्या पता डिनर के साथ ये लोग करवा दें अवेलेबल, उसी का इंतज़ार है अब। ओ बड़े माड़े हाल ने यार, बड़े माड़े। तो यार बढ़िया, भैया ने अपना तो चाय का जुगाड़ कर दिया, भैया आ गए थे, मैम आ गया, मैंने कहा यार चाय का तो वो रखी हर जगह, कहते भाई मेरे साथ आओ, भैया कहते मैं चलता हूँ साथ, मैं बना के देता हूँ फुल गर्म करके। तो मैंने कहा भैया बड़े वाले ग्लास में डाल देना, बड़े वाला ग्लास लेके आया हूँ, नहीं तो ये चाय इतने वाले में दे देते, आप लोगों ने देखा होगा सारा। मैं वापस भाई चाय पीते हैं। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। हेलो भाइयों, अब हो गया डिनर टाइम, डिनर करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ रूम में और बताता हूँ कि वॉलेट का क्या सीन है। सो गाइस, वॉलेट का अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, काफी खुश हूँ यार मैं। बट उससे पहले आप लोग ये वीडियो चेकआउट करो। जी तरुण। हाँ जी सर, तरुण दीदी बोल रहा हूँ, मेरी पापा से बात हुई होगी ना आपकी? मैंने आपके आपके फादर को फोन किया था, एक्चुअली मैं वहाँ तो सर्च कर रहा था, नंबर आपका मिला नहीं अभी, फिर मैंने ना दोबारा वॉलेट देखा, नहीं तो मैं सोच रहा था कोरियर करने का इसको एक्चुअली। अच्छा अच्छा, तो भाई चल मेरे को नंबर दिख गया आपके फादर का, तो मैंने फिर इसलिए उनको कॉल कर दिया। ठीक है ठीक है, रंगमंच में? हाँ जी मैं रंगमंच में, एक्चुअली मेरा ना यहाँ पे स्टे है। ओके ओके ओके, तो कल किस टाइम निकलना आपने, तो रोके जा सकते हैं आप? नहीं मेरा पॉसिबल, आप प्लीज यहाँ तक नहीं आ सकते, देख लो बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। रंगमंच तो डियर मेरे की बहुत टफ है वहाँ, मतलब मेरा बिल्कुल ऑटो रूट पड़ता है वो। आप रहते कहाँ? या तो आप एक काम करो, या तो आप कुरियर ही करवा देना, वो बेस्ट रहेगा। कुरियर को, कोई इशू नहीं, कुरियर कर देता हूँ। तो आप लोगों ने ये सुन ली होगी सारी वीडियो है ना, तो बात ऐसी थी, जो बंदा मेरा वॉलेट गलती से ले गया था, तो मैं एक्चुअली सबसे पहले बात यहाँ से करते हैं, मैं एक्चुअली अपने वॉलेट में एक स्लिप रखता हूँ जिसपे मेरे पापा का नाम नंबर वगैरह सारा कुछ हो, कि एक्सीडेंटली मान लो कहीं कुछ मेरे को कभी हो जाए तो मेरे पापा को सबसे पहले कॉन्टेक्ट चला जाएगी कॉल वगैरह की यार ऐसे से। तो जो बंदा मेरा वॉलेट लेके गया था वो गया होगा, उसने भाई वॉलेट देखा होगा एक बार, तो उसको वो पर्ची मिली होगी, उसने पापा को कॉल करा, तो पापा का मेरे को कॉल आ गया, पापा कहते ऐसे ऐसे है, और वो बंदा कह रहा है कि मैं वॉलेट दे देता हूँ, मैं बाय चांस ही ले आया था। तो जब मेरी उनसे बात हुई, जैसे मैंने आपको दिखाया आपने सुना होगा, तो वो कहते कि यार मैंने उनको बोला रिसेप्शन पे आप पकड़ा जाते, इतनी तंगी ना होती, और मैं नहीं चाहता था यार कि मैं मिलूं, जैसे वो कह रहे थे कि आप मानेसर वो रहते हैं तो आप मानेसर से गुजर जाना सुबह जब आप चेकआउट करोगे, तो वहां से पकड़ते जाना ये वो, या अभी देख लो या ऐसे कुछ, तो समझ रहे हो, मैं मिलना नहीं चाहता था, मेरे को था कि यार है ना कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं मिलना अवॉइड करना चाहता था। तो मैंने उनको कहा कि यार मैं वी फास्ट करवा देता हूँ पहले, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं कुरियर वगैरह भी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है ये वो। तो मैंने कहा यार ठीक है, और मैंने उनको कहा कि यार आप रिसेप्शन पे दे जाते, तो वो मेरे को कहते हैं कि भाई ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, रिसेप्शन पे दे जाता बाद में आपको मिलता ना मिलता। फिर मैंने सोचा ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से सही करा, अच्छा करा, बट अगर मैंने पर्ची ना डाली होती फिर, या कोई ऐसा साधन ना मिलता जिससे वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर पाए, तो समझ रहे हो। बट एनीवेज, काफ़ी अच्छी सोल, काफ़ी काइंड पर्सन थे वो, तो उन्होंने भाई, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कुरियर आप कब करवाओगे, कब नहीं, मैं करवाता हूँ कुरियर अभी, मैंने ऐप डाउनलोड करा, जैसे बहुत सारे ऐप्स चलते हैं कि आप टू व्हीलर्स वगैरह से कुरियर बॉय से करवा सकते हो कुरियर, तो मैंने वो अपॉइंट करा,
उनका एड्रेस डाला, अपना डेस्टिनेशन डाली और मैंने रंगमंच में बैठे बैठे विद इन टू आवर्स अपना वॉलेट मंगा लिया। बस मैंने उनको इतना कहा था कि आप कोई पेपर वगैरह में ना बस टेप लगा के दे देना ताकि यू नो डिलीवरी बॉय आए तो उसको वो खुला वॉलेट ना मिले, है ना। बट उन्होंने भाई कितनी अच्छी पैकिंग करके भेजा है, सो बहुत बढ़िया। आप खोलते हैं इसको प्रॉपरली, दिखाता हूँ आप लोगों को भाई। पहले ये एक लेयरिंग प्रॉपर टेप्ड, ओ देखो भाई ये प्रॉपर पॉलिथिन था जो सब्जी वगैरह वालों को। फिर ये मतलब वो जो हमारा होता नहीं अगर टेलर वगैरह दे देते हैं हमें या कपड़े वगैरह लेते हैं, सूट वगैरह मम्मियाँ लेती हैं, तो ये वैसा, या फिर मोबाइल फोन भी आ सकता है इसमें कोई भी छोटी चीज। और फिर ये भी नाइस यार भाई, ऐसा लग रहा है मैं कुछ केमिस्ट की दुकान से कुछ खोल रहा हूँ। और फिर अभी ये मेरा वॉलेट, नाइस। मैंने जो वो मैजिकल वीडियो में भी आपने देखा होगा कि यार हाँ ये वो सीन है, तो मतलब देख रहे हो भाई बहनचोद बोंड फट गई भाई वॉलेट की। एनीवेज नया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ जी हाँ जी, सारी चीजें हैं गाइस। वही वाली बात मैं कह रहा था ना आपको कि इसमें ना बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ थोड़ा बहुत कैश, थोड़ा बहुत। तो भाई मैं 3 बजे का परेशान था, इधर उधर घूम रहा था 3:30-4 बजे का, और फिर मिल गया आफ्टर ऑल। और मेरा थोड़ा सा कह सकते हैं आधा दिन खराब हो गया, मैं एक्टिविटीज एंजॉय नहीं कर पाया। लंबी कहानी होगी काफी, है ना। बट अब यार मैं सोचो इतना लंबा व्लॉग हो ही गया तो इसको चेकआउट तक क्यों घसीटते रहना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। हाँ 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 हाँ, मैं यार इसकी ऑनलाइन FIR करवाने लगा था वॉलेट की। पापा कह रहे थे कि ऑनलाइन FIR करवा दे, कुछ हो ना जाए। तो फिर मम्मा कहते थोड़ा सा वेट कर लो। मैंने भी कहा कि यार पता है इंडिया में क्या है, हमारे साथ पहले भी हम भुगत चुके हैं अपने बाइक की FIR करा के। एक दिन बाइक उठ गई थी और वो कोई सब्जी वाला ले गया था, फिर उसने वापस लगा दी। तो भाई उसके पीछे हम इतना तंग हुए, हमने ही FIR कराई, बाद में हम ही कहना तो नहीं चाहिए बट हैरास हो रहे थे क्या कुछ भी, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं भाई अवॉइड ही कर रहा था, मैं यार FIR करवाना फिर उन चक्करों में पड़ना, सो यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए हमने उसको अवॉइड करा और ये सिचुएशन आ गई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको मजा आया हो, मेरा तो थोड़ा सा मजा खराब हो गया, मैं आप लोगों को सब कुछ भी नहीं दिखा पाया, बट आई थिंक मैंने काफी कवर कर ही लिया है। सो हाँ, रंगमंच आपने कैसे आना है ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूंगा, अभी तक बताया नहीं था, बट मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह एक आधी क्लिप डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बताना, नहीं अच्छी लगी हो तब भी बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, पीस आउट, गुड बाय।